आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने कई बार एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के साथ अपने झगड़े के बारे में बात की है। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि फिल्म इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स और गुटबाजी के चलते उन्हें कई फिल्में गंवानी पड़ी। एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए रवीना ने कहा कि इंडस्ट्री में गुटबाजी के चलते उन्हें साजन चले ससुराल जैसी हिट फिल्में गंवानी पड़ी थी। फिल्म में उनकी जगह करिश्मा कपूर को कास्ट कर लिया गया था। रवीना और करिश्मा ने साथ में अंदाज, अपना अपना, रक्षक और आतिश जैसी फिल्मों में काम किया है। रवीना ने कहा, मैं हमेशा से एक हेल्दी कंपटीशन में बिलीव करती हूं, क्योंकि इसके चलते आप अपना बेस्ट डिलीवर कर पाते हैं। हालांकि मैं एक हद तक ही एम्बिशियस हूं, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि रवीना ने मुझे इस प्रोजेक्ट से हटवा दिया या रवीना ने इस न्यू कमर के साथ काम करने से मना कर दिया। रवीना ने आगे कहा, मैंने कभी इस तरह की पॉलिटिक्स और गुटबाजी नहीं की, पर कई लोगों ने मेरे खिलाफ खुलेआम पॉलिटिक्स की है। मैं डेविड धवन और गोविंदा के साथ फिल्म साजन चले ससुराल में काम करने वाली थी। यहां तक कि मैंने अजय देवगन के अपोजिट विजय पद भी साइन की थी, पर दोनों ही फिल्में मेरे हाथ से निकल गई। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।